तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यामाहा R3 के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे यामाहा R3 डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो यहाँ पे न्यू मॉडल लॉन्च होने जा रहा है इस साल के अंदर। तो कब तक लॉन्च होगा और कब तक देखने को मिलेगा शोरूम पे, और साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा क्या प्राइस रेंज होने वाला है, क्या क्या चेंजेस किया गया है यामाहा R3 के ऊपर। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते होंगे पुराना वाला जो R3 है इसका डिज़ाइन के साथ यहाँ पे कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो न्यू R3 लॉन्च होने जा रहा है इसका जो टेल पैनल है और टेल पीछे का रेयर का जो डिज़ाइन है वो सेम रहने वाला है। रेयर सीट और रेयर का जो टेल लाइट है और टेल पैनल है सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइड बाइजर और यहाँ पे साइड पैनल और यहाँ पे फ्रंट साइड का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर बात करें दोस्तों, पहले वाला जो डिज़ाइन आता था यामाहा R3 के ऊपर वो डिज़ाइन बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलेगा। पूरा चेंजेस के साथ आप लोगों को यामाहा R3 का न्यू डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो डिज़ाइन पूरी तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बारे में सामने में बताऊंगा, आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों को और एक चीज़ में चेंजेस के ऊपर बात करते हैं, तो चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले वो आप लोगों को बता देता हूँ। और मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, जो पुराना वाला यामाहा R3 आता था और सामने का जो फोका है वो टेलीस्कोपिक देखने को मिलता था, अभी आप लोगों को USB फोक देखने को मिल जाएगा। तो और एक मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जो यामाहा पहले वाला जो R3 आता था इसमें जितना भी लाइट्स हेडलाइट है इंडिकेटर या फिर टेल लाइट जितना भी लाइट्स आता था हैलोजन के साथ आता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे A to Z न्यू मॉडल जो आने वाला है सब कुछ LED के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यू LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा और इंडिकेटर या फिर ये मिरर लाइट और टेल लाइट सब कुछ आपको LED के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ यहाँ पे चेंजेस है, जो मेजर चेंजेस है वो हमें बताया था। इंजन के ऊपर कुछ चेंजेस है यहाँ पे, BS6 और 7 के अंदर कुछ चेंजेस किया गया है। स्मूथनेस यहाँ पे काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगा, पहले का जो आता था इससे बेटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंजन का स्पेसिफिकेशन बताऊँगा यहाँ पे एक एक करके। तो जो चीज़ में मेजर चेंजेस है वो पॉइंटेबल चेंजेस है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दिया। तो अभी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो चेंजेस है वो मैं बताया। तो इंजन के ऊपर जो चेंजेस किया गया, इंजन किन सा टाइप का इंजन देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंज क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिले इंजन के साथ वो मैं बताया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे R3 नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा या 300cc का बाइक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 321cc का बाइक है। आप पहले 321cc आता था, अभी भी आपको 321cc आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे BS6 के अंदर ही आएगा। और इंजन टाइप के ऊपर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, 4-stroke DOHC इनलाइन ट्विन सिलेंडर का इंजन देखने को मिलेगा और यहाँ पे 4 बल्क पार्ट सिलेंडर पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर नंबर ऑफ सिलेंडर के बारे में, 2 सिलेंडर का बाइक होने वाला है मैं पहले बता दिया। और यहाँ पे बाकी कुछ यहाँ पे चीज़ पे नज़र डाल देते हैं एक बार। नंबर ऑफ गियर यहाँ पे 6-speed gearbox देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रेक्स के ऊपर बात करें दोस्तों यहाँ पे आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, सिंगल डिस्क के साथ और डुअल चैनल ABS के साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। टायर और यहाँ पे फ्रंट और रियर टायर के ऊपर बात करें दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलेगा 110x70x17 सेक्शन का टायर और रियर में मिलेगा 140 सेक्शन का टायर है, 140x70x17 टायर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर यहाँ पे नज़र डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो भी पार्ट्स है, जो भी लाइट वगैरह है वो LED देखने को मिलेगा, वो मैं पहले आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस क्या होने वाला है, क्या प्राइस के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे पहले कलर में आप लोगों को बताया तो कौन कौन सा कलर आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल जाएगा। आप सभी जैसे कि जानते होंगे यामाहा लॉन्च करने के बाद एक साल के अंदर कलर भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 3 कलर ऑप्शन में यहाँ पे एक्वामरीन 1 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्लू और ब्लैक, बाकी 2 कलर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो एक शोरूम प्राइस होने वाला है, क्या प्राइस होने वाला है। तो प्राइस के बारे में दोस्तों यहाँ पे ऑन रोड प्राइस जो होने वाला है वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्राइस होगा। तो एक शोरूम प्राइस यहाँ पे आप लोगों को अप्रॉक्स यहाँ पे आइडिया लगा के रख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 350 यानी 3,50,000 तक यहाँ पे एक शोरूम प्राइस आइडिया लगा के रख सकते हो। 50 से लेकर 60 तक भी पहुँच सकता है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। लॉन्च होने के बाद एग्जैक्ट जो प्राइस है वो पता चल जाएगा। और एक शोरूम यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शोरूम जो प्राइस होने वाला है 4 लाख के ऊपर होने वाला है, 4,10,15,000 आपको पे करना पड़ सकता है।
और दोस्तों यहाँ पे लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर तीन महीने के अंदर, इसी साल का इस तीन महीने के अंदर आप लोगों को सारे शोरूम पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड किया, इन्फॉर्मेशन बताया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ भी पॉइंट मिस हो गया, कुछ भी जानना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पूछ लीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो आगे इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।